से खबर है जहां पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है उपचुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन चुनावी तैयारी में जुटा रहता है। कांग्रेस के भीतर पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक सिर्फ तब्बत है। पहले कांग्रेस अपने आप से लड़ ले, बाद में बीजेपी से लड़े। सीएम शिवराज के चेहरे के सामने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। बड़ा बयान जयभान सिंह पवैया का उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव की सुगबुगाहट है। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जयभान सिंह पवैया, वो मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक लोकसभा की सीटें और कुछ विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है। हमने दमोह में देखा पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तो क्या उम्मीदें हैं ये जो उपचुनाव होना है इसको लेकर, पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाएगी जीत की? इस बार के उपचुनावों में मैं ऐसा सोचता हूं कि कांग्रेस के पास खाता खोलने की जगह नहीं। कांग्रेस का सफाया होगा। देखिए, हम तो 365 दिन युद्ध की तैयारी में रहते हैं। हमारे लिए चुनाव आना ये कोई मौसमी त्यौहार नहीं होता है। हमारा कार्यकर्ता सन्नद्ध है और इस समय जो कांग्रेस के हालात हो रहे हैं, जो सिर्फ फुटबल हो रही है पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक, वो पहले अपने आप से तो लड़ लें तो भाजपा से लड़ेंगे। ठीक है, दमोह में कारण कुछ और रहे होंगे, वो कांग्रेस की जीत न मानकर मैं उन कारणों को जीत मानता हूँ, उसके मुगालते में कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए। ये कहा जा रहा है ये जो उपचुनाव होगा लिटमस टेस्ट है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, उधर दूसरी तरफ कमलनाथ के लिए भी प्रदेश में टिके रहना, ये दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। नहीं, कोई चुनौती नहीं। शिवराज सिंह जी के चेहरे का कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है और ये हम कई बार सिद्ध कर चुके हैं। दमोह के मुगालते में कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, यहाँ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसमें बीजेपी अपना परचम लहराएगी, और अगर कांग्रेस इस मुगालते में है कि उन्होंने दमोह उपचुनाव जीत लिया है तो वो बेहद गलत फहमी में है। कैमरामैन करण बासी के साथ प्रहलाद सेन बंसल, न्यूज ग्वालियर। वहीं जयभान सिंह पवैया के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने पलटवार किया है और कहा है पवैया छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, खुद 2018 के विधानसभा चुनाव में 20,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे। पवैया के उपचुनाव में जीत के दावों को खोखला बताया है। कांग्रेस के विधायक ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी बनेगी चुनावी मुद्दा, ये बात कही है सतीश सिकरवार ने। पवैया जी छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। पवैया जी इतने बड़े नेता नहीं हैं। अभी चुनाव हुआ था, उसमें पवैया जी को अपनी हैसियत का पता लगा कि वो कांग्रेस पार्टी के जो उस समय तत्कालीन प्रत्याशी थे उनसे 20-21 हज़ार से आ रहे थे। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो समय आने पर पता लगेगा। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को